Assalamualaikum Smart Studies, Welcome to my channel. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. पहले तो मैं इस टॉपिक को स्किप करने वाली थी बिकॉज मैंने सोचा कि बहुत इजी टॉपिक है भी इजी, बट इसके जो लास्ट के टू पैराग्राफ है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा करे हैं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो मैंने सोचा क्यों इस पे वीडियो बना ही ली जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो का आगाज करते हैं. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जैसा कि नाम से इंडिकेट है, मटेरियल की एक्सचेंज हो रही है, मटेरियल का रद्दबदल हो रहा है. किसके दरमियान? कैपिलरीज और टिश्यू के दरमियान हो रहा है. आगे बढ़ने से पहले मैं पहले कैपिलरीज का इंट्रो कर दूं कि कैपिलरीज होती क्या है. सो कैपिलरी ब्लड वेसल होती है और ये वन सेल थिक होती है. अगर इसकी एनाटॉमी की बात की जाए तो इसकी एनाटॉमी बहुत सिंपल है कि ये सिंपल स्क्वैमस एंडोथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है. और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एंडोथेलियम सेल्स है. अब ये बात होगी, और अगर आर्टरीज और वीन्स की एनाटॉमी को देखा जाए तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. लाइक उनमें ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना पाई जाती है. लेकिन कैपिलरी की जो एनाटॉमी अगर देखी जाए, कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर देखा जाए, वो बहुत ही सिंपल है. अगर कैपिलरी बेड टर्म की बात की जाए, लाइक बेड जो होता है इसका मतलब होता है नेटवर्क. सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और या ये इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स. मतलब आर्टरीज और वीन्स के दरमियान जो इंटरकनेक्शन होता है कैपिलरी का, वो होता है कैपिलरी बेड. सीधी सादी सी बात है कि नेटवर्क है ये, कैपिलरीज का जाल है. जब दो या दो से ज़्यादा कैपिलरीज मिलती हैं तो उसको कैपिलरी बेड कहा जाता है, कैपिलरी का जाल. ये बात होगी, दैट्स इट. अब हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होती है. तो यहाँ पे मेरे पास है कैपिलरी, यहाँ पे टिश्यू, और दरम्यान वाली जो जगह है उसको इंटरस्टियल स्पेस कहा जाता है. मतलब कि बीच वाला खला. इंटरस्टियल स्पेस में जो है इंटरस्टियल फ्लूड पाया जाता है. ये बात हो गई. अब कैपिलरी हो गई, टिश्यू हो गई, इंटरस्टियल स्पेस हो गई. ये मेन मेन टर्म थी जो मैंने बता दी है. अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक आर्टरियल हैंड है, एक वीनस हैंड है. आर्टरियल एंड में जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट द ब्लड इंसर्ट इन द इनसाइड द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल. ठीक है, अब ब्लड प्रेशर उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ये भी एक वास्ट टॉपिक है. अब देखते हैं आर्टरियल एंड में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है. जैसे कि हमें पहले का पता है, आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पूरी फोर्स के साथ ब्लड को पुश करता है टूवर्ड द एओर्टा. फिर एओर्टा आर्टरी जो होती है वो स्मॉलर और स्मॉलर आर्टरीज की तरफ ब्लड को पुश करती है विद फुल फोर्स. ठीक है, ये बात होगी कि आर्टरीज में. अभी हमें ये बात पता चल गई कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है. अब वीनस हैंड की बात करें तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो होता है, ये बात होगी. अब कैपिलरी की बात की जाए तो कैपिलरी में जो होता है, जैसा कि हम पता है, सिंपल स्क्वैमस एंडोथेलियम सेल से बनी होती है. तो इनके दरमियान थोड़े बहुत फेनेस्ट्रेशन पाए जाते हैं. फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है पोर्स पाए जाते हैं. बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत गुंजाइश होती है कि मटीरियल की एक्सचेंज हो सके. अब जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं आर्टरियल मैंड में, वहाँ पे जो होते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. मैं क्या बात कर रही हूँ कि आर्टरियल एंड में, मतलब वहाँ पे उस ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है. इस वजह से वो फेनेस्ट्रेशन पोर्स, मतलब जो पोर्स होते हैं, वहाँ से गुजरते हुए टिश्यू की तरफ जाते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की लो होती है. मीन टू से कि हायर कंसंट्रेशन से जो मटेरियल है वो लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है और डिफ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आर्टरियल एंड से होते हुए टिश्यू के पास जा रहे हैं, टिश्यू की तरफ जा रहे हैं, इंटरस्टियल स्पेस से गुजरते हुए, और डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है. अब ये बात होगी, अब दोबारा बात करते हैं कि ब्लड में जो है वाटर भी तो पाया जाता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन अभी हम बात करें हैं वाटर की. वाटर भी पाया जाता है, तो वाटर की जो है, वाटर जो है ऊज आउट कर जाएगा, निकल जाएगा कैपिलरी से, इंटरस्टियल स्पेस में चला जाएगा. इंटरस्टियल स्पेस में जाने से क्या होगा, इंटरस्टियल स्पेस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा. अब ज़्यादा हो जाएगा जो है वो बैलेंस कैसे होगा वो भी मैं अब आगे बताती हूँ क्या होगा. अब टिश्यू के इस वाली साइड पर जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज यहाँ पे जो वाटर है उसके साथ मिक्स होके नीचे आएंगी वीनस एंड में, मतलब हायर कंसंट्रेशन से फिर दोबारा लोअर कंसंट्रेशन में आ रही हैं. क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज. और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, क्योंकि एक मटेरियल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है. ठीक है, साथ वाटर भी मिक्स होगा और इस तरह इंटरस्टियल स्पेस का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी बैलेंस हो जाएगा. एंड दैट्स इट. अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट स्टडीज, यहाँ
यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सबको इस टॉपिक की बखूबी समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। बट अभी के लिए अपनी मेंटोर मनाहिल और बुरका को दे इजाजत। मिलूंगी बायो सीरीज की ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह।